ओम शांति। हमारे एटीट्यूड्स, हमारा दृष्टिकोण दूसरों के व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। आज मनुष्य ने जितना दृष्टिकोण बिगाड़ लिया है उतना पहले कभी नहीं बिगाड़ा था। कई लोगों का दृष्टिकोण तो ऐसा हो गया है कि उन्हें संसार में कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं लगता, जबकि संसार में अच्छे लोगों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं से धोखा मिला है, उनको बार बार अपमानित किया गया है, लोगों ने उनके भोलेपन, सरलता या ईमानदारी का दुरुपयोग किया है, फायदा उठाया है, तो उन्हें ऐसा लगता है इस संसार में सभी लोग बहुत ही खराब हैं। हमारा ब्राह्मण परिवार तो बहुत श्रेष्ठ परिवार है, ये देव कुल की महान आत्माओं का परिवार है, ये भगवान का परिवार है, ये वो परिवार है जिसमें सभी ने पवित्रता अपना ली है, ये वो परिवार है जो सभी भगवान के कार्यों में लग गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प कर लिया है और जो कर रहे हैं। तो हमारे इस परिवार जैसा परिवार तो और कोई हो भी नहीं सकता। ये ठीक है कि सबके अपने अपने संस्कार हैं, विचार हैं, पुरुषार्थ है, भाग्य है, और राजधानी भी स्थापित हो रही है। इसमें वैरायटी होंगे, राजा रानी तो गिने चुने होंगे 108 रतन, बाकी साहूकार प्रजा होगी कुछ लाख, और से सभी तो साधारण प्रजा होगी। तो वैरायटी इसमें होना बिल्कुल निश्चित है, बड़ा नेचुरल है, सभी एक समान पुरुषार्थी हो भी नहीं सकते। तो हमें ये याद रखना है कि हम राज्य स्थापित कर रहे हैं, इसमें वैरायटी होना बड़ा नेचुरल है। दूसरी बात, हम सभी आत्माएं जन्म जन्म के साथी हैं, यहाँ वही साथी बने हैं जो जन्म जन्म साथ रहे हैं, जिनका जन्म जन्म का कर्मों का खाता है, अच्छा या बुरा। अब वो सब खाते हमारे सामने आ रहे हैं। मान लो आपके आसपास 10 लोग हैं, 20 हैं या 50 हैं, किसी से प्रेम है, किसी से टकराव है, किसी से घृणा है, किसी के लिए बदले की भावना है, क्योंकि ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। किसी ने आपको बहुत सताया हो, उसके लिए मन में बदले की भावना अग्नि की तरह दहकती रहती है, पता नहीं चलता क्यों उस व्यक्ति को देखते ही मन क्रोध से भर जाता है, ये पूर्व जन्मों का खेल है। इस समय जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान और योग का बल है, उन्हें अपनी भावनाओं को बिल्कुल निर्मल कर देना चाहिए, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये वैरायटी तो है और रहेगी, लेकिन इस समय हमें इससे ऊपर उठकर साक्षी भाव, शुभ भाव और क्षमा भाव के द्वारा अपने चित्त को निर्मल और शांत कर देना है। अब हम किसी से बदला लेकर क्या करेंगे? हमारी दुर्भावनाएं हमें भी कष्ट पहुंचाएंगी, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगी, और हम ईश्वरीय कार्य में भी सहभागी न बन के विघ्न पैदा करने वाले बन जाएंगे। तो सभी साक्षी भाव धारण करें, कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो रहा है ये याद करें, आत्माएं हिसाब लेने, कर्ज लेने आई हैं ये याद करें, और सबके लिए एक सुंदर दृष्टि रख लिया करें। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भी महान त्याग किया है, इन्होंने भी श्रेष्ठ पथ पर कदम रखा है। देखिए, जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, कितनी भावनाएं होती हैं कि ये बाबा का बन जाए, ये भी सन्मार्ग पर आ जाए, तो जो सन्मार्ग पर आ गए हैं उनके लिए मन में घृणा या ईर्ष्या द्वेष समाप्त कर देना है, क्योंकि यहाँ सबका अपना अपना पार्ट भी है, और हम उनकी महानताओं को देखेंगे, महानताएं भी उनमें बहुत हैं, कम से कम प्योर जीवन अपनाया है, किसी ने अपने जीवन को बाबा पर बलिहार किया है, उनका भगवान से मिलन हुआ है, वो भी पुण्य आत्माएं हैं। ऐसी दृष्टि यदि हम रखेंगे तो हमारा चित्त शांत रहेगा। सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा। तो आज सारा दिन
हम साक्षी भाव अपनाएंगे और सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये दृष्टि रखेंगे, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, बाकी सभी के लिए ये भगवान के बच्चे, ये भी श्रेष्ठ हैं। और अभ्यास करते रहेंगे कि बाबा की रंग बिरंगी किरणों का फाउंटेन मुझ पर निरंतर पड़ रहा है। ओम शांति।